जेल में बंदियों को पढ़ाए धर्म ग्रंथों के पाठ, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर स्वच्छ समाज के निर्माण का दिया संदेश, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के तत्वाधान में जिला कारागृह में कबीर पंथी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें गीता, वेद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब का वाचन किया गया। सत्संग के दौरान बंदियों को समाज में फैली बुराइयों जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, रिश्वतखोरी आदि को दूर तथा स्वच्छ भारत का निर्माण करने की बात कही गई। इस अवसर पर समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को मिटाने तथा नशा मुक्त भारत बनाने के लिए गुरुवाणी के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। इस अवसर पर आयोजकों ने बताया कि इस सत्संग के माध्यम से अब तक लाखों लोग बुराइयों तथा दुर्व्यसनों को छोड़ चुके हैं। सत्संग के दौरान जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा का संदेश भी दिया गया। इस सत्संग से प्रभावित होकर 15 बंदियों ने नाम दीक्षा ग्रहण की। उन सभी बंदियों को जीने की राह पुस्तक भी निःशुल्क प्रदान की गई। इस सत्संग कार्यक्रम के दौरान कारापाल राधेश्याम शर्मा, हवलदार सुखबीर सिंह हरसाणा, जसवंत सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, राधा मोहन सैनी, रवि सिंह गुर्जर, आदित्य जारी, लाल वादी भी मौजूद रहे।